दिसंबर का महीना खत्म होने को है और दिल्ली में सर्दियां अपनी चरम सीमा पर है। जो मिनिमम टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया है वो है 4 डिग्री सेल्सियस और वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर में भी गिरावट आई है, यानी कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर में। मेरे ठीक पीछे है अक्षरधाम टेम्पल, जो कि आप देख सकते हैं फॉग के कारण थोड़ा सा धुंधला नजर आएगा। मेट डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन के हिसाब से आज दिल्ली में जो फॉग की कंडीशन है उस कारण विजिबिलिटी जो है वो करीबन 500 मीटर के आसपास ही रहेगी। यानी कि फॉग तो है ही और साथ ही स्मॉग भी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पॉल्यूशन की स्थिति भी दिल्ली में लगातार बनी हुई है। बात करें अगर पॉल्यूशन मीटर की तो आज जो पॉल्यूशन रिकॉर्ड किया गया है वो 350 से अबव की रेंज में है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल करता है। यानी सर्दी है, पॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो अभी भी भागना नहीं बंद कर रहे हैं। सर, सवेरे का समय, इतनी सर्दी, रजाई छोड़ देती है आपको वॉक पे निकलने के लिए? सेहत के लिए करना पड़ता है मैडम, सेहत जरूरी है। दिल्ली में सबसे ज्यादा बीमारी लग रही है इस समय, तो दौड़ना बहुत जरूरी है। तो आप हर सुबह भागते हैं? हर डेली भागता हूँ। किस समय, कितने किलोमीटर? ये 8 किलोमीटर दौड़ता हूँ। और कितने बजे निकलते हैं? 6-7 बजे निकलता हूँ डेली। तो पॉल्यूशन है और किस तरह की परेशानियाँ उससे होती है? उससे बीमारी होती है, खांसी हो जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है और कफ वगैरह बन जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं अपने सेहत का ध्यान रखने? मैं तो जॉगिंग करता हूँ डेली और अपना डेली अपना सेहत के प्रति ध्यान रखता हूं। लेकिन इस समय जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है तो वो नहीं है कि कहीं नुकसान ना हो जाए फायदे की जगह? लेकिन ये बताऊँ, इसमें नुकसान तो ज्यादा नहीं होता। अगर दौड़ोगे तो शरीर सेहत सही रहेगी और नहीं दौड़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी। जॉगिंग बहुत जरूरी है इस समय दिल्ली में। यानी कि सर्दियां भी हैं, सर्दियों का कहर भी ढाया हुआ है और पॉल्यूशन भी है, लेकिन फिर भी लोग सेहत के लिए डेडिकेटेड हैं। मैं आपको अपने पीछे का नज़ारा इस वक्त दिखाती हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखें, पूरा फ्लाईओवर यहाँ पर है, विजिबिलिटी आपको अपनी आंखों से नज़र ही आ रही होगी कि कितनी कम है। बात करें पूरे स्ट्रेच पे अगर आप इस फ्लाईओवर को देखें तो जो दूर से गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी नज़र नहीं आ रही हैं। यानी कि कोहरा भी शुरू हो चुका है, सर्दी भी है, साथ ही बनी हुई है स्मॉग की कंडीशंस। और अगर वेदर एक्सपर्ट्स की माने तो जनवरी के आते जाते टेम्परेचर में और भी ज़्यादा गिरावट होगी। यानी कि दिल्ली चल रही है और साथ ही बढ़ रही है दिल्ली की सर्दियाँ और पॉल्यूशन। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।